So pharmacological actions of antipsychotic drugs, first in the ANS, what will happen? It will exert the alpha adrenergic blocking that will lead to postural hypotension, palpitation, inhibition of ejaculation, then dry mouth, blurring will be there, blurring of vision will be there, constipation, urinary hesitancy. So there are two conditions exert. First, there will be activity will be there of alpha adrenergic blocking, and there will be activity and anticholinergic activity results. And because of anticholinergic activity, what will happen and what will adrenergic block, alpha adrenergic blocking will lead to this is conditions. Okay, next is CVS, that is cardiovascular system. Hypotension will be there, there will be reflex tachycardia, that is increased heart rate. Next, there will be QT prolongation and T wave suppression. So Q and T wave will prolong. That means that will be in their time. There's some fixed time for every wave, right? So what will happen in QT? Mainly what will happen? QT prolongation. That means QT jo wave hoga wo bahut देर तक बना रहेगा, राइट? सो दैट इज क्यू टी प्रोलॉन्गेशन. टी वेव समटाइम्स इट विल बी सप्रेस्ड, इट शुड नॉट बी सप्रेस्ड, राइट? एंडोक्राइन में क्या हमने पहले ही पढ़ा था कि सिक्रीशन, जो इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? गायनेकोमेस्टिया एंड ग्लैक्टोरिया. ओके, एंड वॉट विल हैपन? देर विल बी रिड्यूस गोनाडोट्रोफिन हार्मोन. गोनाडोट्रोफिन अगर कम है, दैट मीन्स इट विल अफेक्ट ओव्यूलेशन, बिकॉज टू हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, दैट इज FSH एंड GH. बोथ अगर GH काम नहीं करेगा, दैट मीन्स ओव्यूलेशन भी डिले होगा. तो इस वजह से एमेनोरिया होगा. एमेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुअल जो रहेगा वो स्टॉप हो जाएगा, राइट? एमेनोरिया एंड इनफर्टिलिटी कैन ऑकर. नेक्स्ट इस इसके क्या क्या यूजेस हैं? सीजोफ्रेनिया में हम यूज़ कर सकते हैं, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं, मेनिया हो गया, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम हो गया, एंग्जाइटी, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, इंट्रैक्टेबल हिकअप्स, टेटनस, एल्कोहलिक एल्सिनेशन, हटिंगटन्स डिजीज, ट्रॉट सिंड्रोम. आपको ट्रॉट सिंड्रोम कॉपी में लिखना है और मुझे बताना है. जब भी नेक्स्ट मैं वीडियो भेजूंगी, सबसे पहले मैं पूछूंगी व्हाट इज़ ट्रॉट सिंड्रोम. अगर सब ने बताया, ग्रुप में 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स का मैसेज आना चाहिए, यस मैम दिस इज दिस. अगर उसमें से जो लोग बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते, जो 5, 6, 7 या 8 लोग हैं जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते, उनको छोड़ के अगर बाकी जितने, एटलीस्ट आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम 42 स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 40 स्टूडेंट्स भी अगर आंसर कर दिया, तो आई विल सेंड द वीडियो, अदरवाइज आई विल नॉट सेंड द वीडियो. खुद से पढ़ना फिर. नेक्स्ट, किन किन पेशेंट्स को हम नहीं देंगे? ओके, व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी वाले पेशेंट को हम नहीं देंगे, CNS डिप्रेशन वाले पेशेंट को हम नहीं देंगे, ब्लड डिस्क्रेसिस है, पार्किंसंस डिजीज है, लीवर रीनल कार्डियक इनसफिशेंसी है, ये देंगे. यहाँ पे एक और वर्ड है, ब्लड डिसक्रेसियास, ये भी आप ढूंढोगे. टॉर्च सिंड्रोम एंड ब्लड डिस्क्रेसिया, दो असाइनमेंट्स है आपको, लिख के मुझे बताना है व्हाट इज इट. ओके, नहीं मिलेगा तो आई एम देयर टू हेल्प यू. ओके, नेक्स्ट इज द प्रिकॉशंस. वाई इफ यू आर टेकिंग और गिविंग द मेडिकेशन, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? एल्डरली सीवियरली इल है और डिबिलिटेटेड है, और डायबिटिक क्लाइंट्स है, और क्लाइंट्स विद रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी है, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इन लोग से आपको बहुत ध्यान से इनको मेडिकेशन देना है. बिकॉज हमने पढ़ा, इट मेन इसका साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, ब्लरिंग विजन है, ड्राई माउथ, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेल गिविंग दिस मेडिकेशन. इंडिविजुअल शुड एक्सपोज टू एक्सट्रीम्स इन टेम्परेचर वेल टेकिंग एंटी साइकोटिक मेडिकेशन. हॉट एनवायरमेंट को अवॉइड करने, कूल एंड काम एनवायरमेंट होना चाहिए जब पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहे हैं. सेफ्टी इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड. इसका जो है प्रेगनेंसी के वक्त इसको अफेक्ट करते, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन मेनली प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट होता है, प्लस मिल्क इजेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है प्रोडक्शन करता है, और उसको इजेक्शन के लिए जो है मेनली ऑक्सीटोसिन काम करता है. तो प्रोलैक्टिन अगर काम नहीं करेगा तो ऑक्सीटोसिन अपना काम नहीं कर पाएगा. सो वी हैव टू बी We have to take precautions while in the case of pregnancy and all. Next is ADR, that is adverse reactions for anticholinergic, dry mouth, constipation, nausea, GI upset, skin rashes, sedation, photosensitivity, orthostatic hypotension. This is well known case. Adverse reaction hormonal में क्या क्या होगा? Antipsychotics का decrease libido होगा, amenorrhea होगा, वेट गेन होगा, ये पढ़ चुके हैं हम सारे. क्यूटी प्रोलॉन्गेशन एंड टी वेव सप्रेशन, डिक्रीज्ड थ्रेशोल्ड लेवल, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन, हाइपर सेलिवेशन, ज़्यादा अमाउंट में ड्रूलिंग आउट ऑफ
होगा, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, EPS दैट इज़ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे स्यूडो पार्किंसन दैट इज ट्रेमर, शेकिंग ऑफ हैंड्स विल बी देयर, शफलिंग गेट विल भी रहेगा, दैट मीन्स बैलेंस डिस्टर्ब होगा, राइट। ड्रूलिंग दैट मीन्स सलाइवा आउट हो जाना विदाउट एनी कंट्रोल, सलाइवा बाहर आ जाएगा मुँह से, ठीक है। एकाइनेशिया मस्कुलर वीकनेसेस, एकाइस्थीसिया कंटिन्यूस रेस्टलेस एंड फिजिटिंग, डिस्टोनिया दैट इज इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, स्पैज्म विल बी देयर, ऑक्युलर्जिक क्राइसिस दैट इज अनकंट्रोल्ड रोलिंग बैक ऑफ द आईज, द आईज विल बी रोल्ड बैक, सो दिस इज ऑल्सो अ मेन EPS इन एंटीसाइकॉटिक। सी दिस इज एकाइनेसिया, दिस इज एकाइथीसिया, देर इज पैर जो रहेगा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, दिस इज स्यूडो शफलिंग ड्रूलिंग रिजिडिटी विल बी देयर, गेट विल बी इम्बैलेंस्ड, ओके। ऑक्युलर्जिक दिस सी रोलिंग ऑफ आईबॉल, ऑक्युलर्जिक क्राइसिस, डिस्टोनिया यू नो, डिफिकल्टी इन वॉलेंट्री, एडवर्स टार्डिव डिस्केंसिया, बिजार फेशियल एंड मूवमेंट, स्टिफ नेक, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, दिस विल बी देयर, सी दिस इज द कंडीशन, ड्रूलिंग कर रहा है पेशेंट, ओके। नेक्स्ट इज योर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कैन डेवलप NMS दैट विल लीड्स टू सीवियर पार्किंसन मसल रिजिडिटी हाइपर पैरेक्सिया अप 207 डिग्री फारेनहाइट, पेशेंट को बुखार हो जाएगा, ठीक है। टैकीकार्डिया, टैकेपनिया, फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर, डायफोरोसिस दैट इज डायफोरोसिस मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग, रैपिड डिटोरिएशन ऑफ मेंटल स्टेटस, स्टूपर एंड कॉमा, ओके। नेक्स्ट इज फॉर द नर्सिंग मैनेजमेंट, हाउ यू विल प्रोवाइड द क्लाइंट विद शुगरलेस कैंडी और गम, आइस फ्रीक्वेंट स्विप्स ऑफ, अगर पेशेंट को ये सब हो रहा है तो एडवाइस दीजिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, तुरंत शुगर कम या आइस सिप कराओगे, फिर पेशेंट को प्रैक्टिस कराओगे स्ट्रिक्ट ओरल हाइजीन ड्रूलिंग केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन दैट द सिम्टम विल मोस्टली लाइकली सबसाइड आफ्टर, उनको एक्सप्लेन करना है कि धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कुछ हफ्तों में, ठीक है। एक्सप्लेन वी हैव एक्सप्लेन। नेक्स्ट एडवाइस क्लाइंट नॉट टू ड्राइव अ कार अंटिल विजन क्लियर, क्योंकि हमने पढ़ा मेन साइड इफेक्ट क्या, ब्लरी विजन होगा, तो उस समय तक अगर आप पेशेंट एंटी साइकॉटिक या एंटी एंग्जाइटी कोई भी ड्रग ले रहे हो तो आपको ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि दोनों के में मेन कॉमन साइड इफेक्ट है वो है ब्लरी विजन, तो ब्लरी विजन के वजह से व्हाट विल हैपन, एक्सीडेंट कैन, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट कैन अकर, सो वी हैव टू टेल द पेशेंट यू शुड अवॉइड ड्राइविंग, क्लियर स्मॉल आइटम्स फ्रॉम पाथवे टू प्रिवेंट फॉल्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच कैन lead to fall of the patient, we have to remove that. Order foods high in fiber. We have to advise the patient to take food which is high fiber. That means cereals हो गया, sprouts हो गए, vegetables, leafy vegetables, जिसमें जो बहुत lentils हो गए, ये सब में बहुत fibers होते हैं. So ये सारी चीज़ों को लेना, oranges हो गए, right? So encourage increase in physical activity and fluid intake if not contraindicated. If there is no contraindication, कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में हो सकता है, किडनी डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करके रखें कि इतना ही ML हमको दिन भर में देना है क्योंकि पेशेंट को किडनी डिसऑर्डर है, तो अगर है तो हम रिस्ट्रिक्टेड है, अदरवाइज अगर वो पेशेंट हेल्दी है बस यही प्रॉब्लम है तो हमको क्या करना है, उनको फाइबर डाइट अच्छा, फ्लूइड इनटेक उनका अच्छा करना है, हमको फिजिकल एक्टिविटी उनसे करवाना है, तो ताकि उनका ये EPS सिंड्रोम जो है या तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो सिंड्रोम से वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिपोर्ट एनी डिफिकल्टी यूरिनेटिंग, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, यू हैव टू कंटिन्यूअली ऑब्जर्व द इनटेक एंड आउटपुट, ओके। सो नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर नॉजिया एंड GI अपसेट, इफ पेशेंट इज कंप्लेनिंग अबाउट नॉजिया एंड GI अपसेट वॉट यू हैव टू डू, टैबलेट्स और कैप्सूल्स में भी एडमिनिस्टर विद फूड टू मिनिमाइज GI अपसेट, इफ देयर इज GI अपसेट यू कैन गिव प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, टैबलेट्स रेंटेड इन फेमिटिन यू कैन गिव अकॉर्डिंग टू फिजिशियंस ऑर्डर, ओके। कंसंट्रेट्स में भी डायल्यूटेड एंड एडमिनिस्टर विद फ्रूट जूस और अदर फ्लूइड यू कैन प्रोवाइड देम, दे शुड बी मिक्सड इमीडिएटली बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। टार्डिव डिस्काइनेसिया के लिए आप क्या करोगे, ऑल क्लाइंट्स रिसीविंग लॉन्ग टर्म्स दैट मीन्स मंथ या ईयर्स के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहे हैं तो सिम्टम्स पोटेंशियली इरिवर्सिबल हो जाते हैं, सो ड्रग शुड बी विदड्रॉन एट द फर्स्ट साइन विच इज़ यूजुअली फर्मीफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द टंग, प्रॉम्प्ट एक्शन में भी, जैसे आपको लग रहा है पेशेंट इज गोइंग टू ट्रेमर सेक्शन और पार्किंसन की ओर जा रहा है तो फर्स्ट साइन है तो आपको तुरंत डिसकंटिन्यू करना है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, वेन देयर इज वर्मीफॉर्म, सी दिस इज द वर्मीफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द टंग, यू हैव टू विदड्रॉ द ड्रग, ओके, एंड प्रॉम्प्ट एक्शन शुड बी टेकन,
नेक्स्ट इफ ए पेशेंट इज डेवलपिंग NMS दैट इज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम वॉट दिस इज वेरी रेयर कंडीशन बट पोटेंशियली फेटल दिस विल लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट विद न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स बट दिस इज अ रेयर कंडीशन 100 में 1 को हो सकता है ठीक है. रूटीन असेसमेंट शुड इंक्लूड टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन यू हैव टू डे फॉर पार्किंसन सिम्टम्स ऑनसेट कैन अकर विद इन आवर्स और इवन आफ्टर इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन इज रैपिड ओवर 24 to 72 hours. डिसकंटिन्यू न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशंस इमीडिएटली मॉनिटर वाइटल साइंस डिग्री ऑफ मसल रिजिडिटी इनटेक एंड आउटपुट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस द फिजिशियन में ऑर्डर ब्रोमोक्रिप्टिन पैलोडल और डेंट्रोलिन डेंट्रियम टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ न्यूरोलेप्टिन. ब्रोमोक्रिप्टिन जो है कैंसर ड्रग्स के अंदर आता है ब्रोमोक्रिप्टिन. सो ये प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि ये जो NMS जो है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ये ठीक कर सके ठीक ओके. इंडिकेशंस ओके. सो विद दिस एंटीसाइकोटिक टॉपिक इज ओवर. इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क ओके.